बच गया बिगुल। नमस्कार, बच गया बिगुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 8 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि इस बार गुजरात की जनता ने किसे मौका देने का मन बना लिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दो फेज में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। राज्य में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। 15 लोगों की टीम भेजी जाएगी। राजीव कुमार ने बताया कि गिर फॉरेस्ट के बनेज गांव में रहने वाले भरत दास दर्शन दास के लिए पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है। इस इकलौते मतदाता से वोटिंग करवाने के लिए 15 लोगों की टीम भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि भरत दास अपने गांव से बाहर आकर वोटिंग नहीं करना चाहते, इसलिए उनके लिए पोलिंग बूथ और पोलिंग टीम भेजी जा रही है। अब बात करते हैं गुजरात चुनाव से जुड़ी 4 सबसे महत्वपूर्ण बातों का। पहला, सीएम पद के दावेदार कौन है? अभी बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आप भी मैदान में हैं। हालांकि दोनों पार्टियों ने अब तक सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी में भरत सोलंकी, अर्जुन मोडवाड़िया, शक्ति सिंह सीएम पद के लिए रेस में सबसे आगे। आप में अभी तक गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी सीएम के दावेदार। आखिर इस बार का चुनाव और चुनाव से अलग क्यों है? पिछली बार से इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है, इसकी क्या वजह है? गुजरात में 2017 में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन आप भी इस बार लड़ाई में शामिल हैं। वहीं पाटीदार आंदोलन की आग भी इस बार शांत है। आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात में इस बार 4 मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला मुद्दा जो अभी अभी हादसा हुआ, मोरबी पुल हादसा। दूसरा, कर्मचारियों की समस्या। तीसरा, महंगाई। और चौथा, पोर्ट पर पकड़े जाने वाला ड्रग्स है। मोरबी पुल हादसे के बाद चुनाव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द सिमट गया है। भाजपा पिछले 24 साल से सत्ता में है, ऐसे में पार्टी के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी का भी असर है। अब आपको बताते हैं कि दो साइलेंट चेहरे कौन से हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। गुजरात चुनाव में इस बार दो ऐसे साइलेंट चेहरे चर्चा में हैं जो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इनमें एक नाम पाटीदार का है, पाटीदार आगेवान नरेश पटेल, तो दूसरा कोली समाज के सोमा भाई गांडा। नरेश पटेल ने अब तक राजनीति में सीधी एंट्री नहीं ली, लेकिन गुजरात के 85 लाख लेउआ पटेल समाज के वे सर्वेसर्वा। पटेल कांग्रेस में शामिल होने की कई बार कोशिश कर चुके, पर पार्टी हाईकमान से बातें नहीं बन पाई। वहीं सोमा भाई गांडा भाई भी इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पाटीदार के बाद कोली समाज की आबादी गुजरात में सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने 160 सीटें जीतने का टारगेट बनाया है। इस चुनाव रण तगड़ा है।
भाजपा ने इस बार 182 सीटों में से 160 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट बनाया। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उम्मीदवारों के नामों की सूची तय करेंगे। भाजपा को अब तक 4,340 लोगों के नाम मिले हैं। सबसे ज्यादा 1,490 उत्तर गुजरात से, सौराष्ट्र से 1,163, मध्य गुजरात से 962 और दक्षिण गुजरात से सबसे कम बायोडाटा मिले हैं 725। इस बार गुजरात चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला एंगल देखने को नहीं मिलेगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबदबे से लेकर महंगाई और बेरोजगारी पर उभरे असंतोष तक विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो जीते दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। गुजरात के सीएम पद के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि जनता यह तय करके बताए कि गुजरात का आपकी ओर से अगला सीएम फेस कौन होगा। इसके लिए उन्होंने 3 नवंबर तक जनता की राय मांगी। राहुल गांधी एक स्ट्रेटेजी बनाकर गुजरात से दूर है। नरेंद्र मोदी अभी एक बड़े कैनवास पर गुजरात का चित्र खींच रहे हैं। गुजरात में अभी मोदी का ट्रेलर दिखा है। रियल पिक्चर इलेक्शन के बाद पता पड़ेगा। नवंबर में ऐसी लहर उठेगी जो 2019 से भी बड़ी होगी। चीफ असदुद्दीन ओवैसी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 3 उम्मीदवारों में से एक हिंदू महिला प्रत्याशी भी है। तो देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बज गया बिगुल और बने रहिए AMB नेटवर्क के साथ। नमस्कार। बज गया बिगुल।